सर मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि मैंने 90 विधानसभा में समान विकास करवाया। माकूल सरकार के पास आ गए और उन्होंने पैसा दिया है, लेकिन करवाने की भी कार्य क्षमता चाहिए, वो आज कार्य क्षमता करवाने वालों में नहीं है। आप ओम प्रकाश चौटाला के बड़े नजदीकी माने जाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में विधायक मंत्री सारे छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। जब परिवार टूटता है तो स्वाभाविक है फिर सब अपना अपना रास्ता तलाशते हैं। सर हाईकमान आपको टिकट दे तो क्या आप दोबारा चुनाव मैदान में उतरोगे? नहीं, अभी तो हालात देखेंगे, क्या हालात बनते हैं, क्या बात होती है। आपके मन में कोई ऐसी योजना रह गई हो जो आपके कार्यकाल में पूरी ना हो सकी, वो आप अब चाहते हो कि एक बारी दोबारा MLA मंत्री बन के वो काम हो जाए? वक्त करवाएगा बेटा, योजनाएं तो बहुत हैं। सर हांसी हल्के में कोई भी आपकी पार्टी का कार्यकर्ता लीड करता दिखाई नहीं दे रहा, इसका क्या कारण है? अभय चौटाला तो पूरी बेचारे कोशिश में लगे हुए हैं, ओम प्रकाश चौटाला भी, अब पैरोल दोबारा एक महीने की मिली है, 28 दिन की, देखते हैं क्या बनता है। प्रकाश सिंह बादल ने अभी बोला था कि दोनों परिवार को इकट्ठा हो जाना चाहिए। देखिए बुजुर्ग आदमी तो हमेशा ये चाहता है कि परिवार इकट्ठा हो, लेकिन नहीं लगता, जिन्होंने आज बिगाड़ कर दिया जिस प्रकार से किया है वो जग जाहिर बात है। सर आपसे पहले हमने तीनों मंत्रियों से बात करी, वो आज बीजेपी पार्टी में है, तो आपको लगता नहीं कि आने वाले समय में इनमें धमाका होने के आसार है? देखिए सब अपनी अपनी रागनी अपना अपना राग अलाप रहे हैं। तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ।